फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सबसे रिलीव में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए आज आपके लिए कुछ नया बनाते हैं। आज मैं कुशन कवर सिखाने वाली हूँ आपको। तो आज मैं पहले आपको उसको ड्राफ्टिंग कराऊंगी, फिर उसके बाद आप सामान तैयार रखें, यानी कि फैब्रिक वगैरह, रील वगैरह जो तैयार होता है सामान वो रखें। तो आप पहले ड्राफ्टिंग, उसके बाद पैटर्न, पहले पैटर्न मेकिंग कराऊंगी, उसके बाद कपड़े पे कराऊंगी आपको, ठीक है? तो जो मैं आज आपके लिए एक वाइट पेपर लिया हुआ है मैंने, अब मैं इससे आपको बताऊंगी कि कितने बाई कितने का कटेगा और कैसे कटेगा। आप उसमें कुछ डिज़ाइन भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेस वगैरह लगा के, बीड्स वगैरह लगा के, वो आपके ऊपर है कि आप उसमें कितनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने 12 इंच का निशान लगाया लंबाई में, ठीक है? फिर मैंने, क्योंकि आपको पता है कुशन कवर हमारे गोल चकोर होते हैं, तो सेम ही नाप होता है उसका चारों तरफ से। आपको एक 12x12 का पीस बताया है, ये चकोर में है, 12x12 का एक पीस है, ठीक है? ये हमने काट लिया। अब इसके साथ में एक और पीस काट देते हैं, दो पीस और काटेंगे हम। चौड़ाई हमारी सेम होगी, बस लंबाई हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखिए चौड़ाई हमारी बराबर है 12, पर लंबाई हमारी इसकी 3 इंच कम हो जाएगी, 3 साढ़े 3 इंच। तो ये 9.5 है, और एक हमने ऊपर के लिए पट्टी अलग से लेंगे काटने के लिए। हमारी ये 4 इंच की पट्टी है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, और ये 12 इंच का है, ठीक है? अब हमारे 3 पीस हो गई है। ये आपको यहाँ पे लग जाता है, आपको पता है यहाँ पे चैन वगैरह लगती है, तो उसके लिए पीस अलग से लगता है, ठीक है? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसे सिलेंगे हम, ठीक है? लेकिन आप पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग को उठा के रखेंगे, फिर आप इसे कपड़े पे काटेंगे, उसके बाद हम सिलेंगे। इसके लिए लेस वगैरह जो भी आप लगाना चाहें साइड से, ठीक है? और इसमें हम 2 कलर भी यूज कर सकते हैं। आपने सिंगल एक कलर ये ले लीजिए, एक कलर ये ले लीजिए, या फिर हाफ कलर लगे सिल के डबल कलर भी ले सकते हो। वो आपके अकॉर्डिंग कि आपको कितनी उसमें अलग अलग वेरिएशन करनी है, ठीक है? तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपको मैंने कटिंग बता दी है, इसके आगे का काम आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आप प्लीज़ ये काम ज़रूर करें आप सब, और आगे के लिए आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।